जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जॉब है हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड HPSSB द्वारा जारी स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क के पदों की। HPSSB हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बताने वाला हूं 30 जून 2018 के क्वेश्चन का सही जवाब देने वालों की नाम, और उसका सही जवाब दिया है चंद्रशेखर चौहान, आकाश सिंह, किशन बंसल, पंकज मारू, अवनीश सिंह, रॉबिन सिंह, प्रतीक्षा गुर्जर, अंजलि गौतम, विष्णु कोरी, उमंग कोरी, रोहित कुमार, नीरज राज। साथियों, आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जॉब की। पोस्ट नेम एंड पे स्केल। पोस्ट का नेम जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जिसका पोस्ट कोड 673 है, और इसका पे स्केल 5,910 रुपये से 20,200 रुपये का है, और ग्रेड पे 2,800 रुपये का है। अगला पद स्टेनोटाइपिस्ट का है, इसका पोस्ट कोड 674 है, और पे स्केल इसका 5,910 रुपये से 20,200 रुपये का है, और ग्रेड पे 2,000 रुपये का है। इसके आगे वाला पद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसका पोस्ट कोड 691 है, और इसका पे स्केल 5,910 रुपये से 20,200 रुपये तक का है, और ग्रेड पे 1,900 रुपये का है। अगला पद क्लर्क का है, जिसका पोस्ट कोड 692 है, और इसका पे स्केल 5,910 रुपये से 20,200 रुपये तक का है, और ग्रेड पे 1,900 रुपये का है। इसके आगे वाला पद स्टेनोटाइपिस्ट का है, और इसका पोस्ट कोड 693 है, और इसका पे स्केल 6,400 रुपये से 20,200 रुपये तक का है, और ग्रेड पे 2,300 रुपये का है। जॉब लोकेशन इसकी हिमाचल प्रदेश है। एज लिमिट 1/7/2018 की गणना के अनुसार अभ्यर्थी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष का होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, और दोनों ही स्टेनोटाइपिस्ट पदों हेतु शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और इंग्लिश टाइप या हिंदी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से रिलेवेंट फील्ड में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लर्क। क्लर्क पद हेतु शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, इंग्लिश टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज और सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के कुल पदों की संख्या 24 है, स्टेनोटाइपिस्ट के कुल पदों की संख्या 15 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल पदों की संख्या 1 है, क्लर्क के कुल पदों की संख्या 156 है, और स्टेनोटाइपिस्ट के कुल पदों की संख्या 23 है। एप्लीकेशन फी। जनरल कैंडिडेट्स को 360 रुपये और जनरल IRDP PH बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, SC ST OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश 120 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन गेटवे द्वारा या ऑफलाइन कंप्यूटर जनरेटेड चालान या लोक मित्र केंद्र द्वारा पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पर आधारित है।
हाउ टू अप्लाई इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.hpssb.hp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट टू रिमेम्बर, इसकी सबमिशन की स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन 5 जुलाई 2018 है और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की 4 अगस्त 2018 है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू एडवर्टाइजमेंट लिंक एंड वेबसाइट। इससे अधिक जानकारी के लिए www.hpssb.hp.gov.in पर जाएं और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आवेदन करना भी चाहिए। इसके नोटिफिकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक, दोनों ही लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों ही देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और अब समय है आज के क्वेश्चन का। आज आपके लिए क्वेश्चन है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1971। तो कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने वालों के नाम अगले वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। इसी तरह जॉब के डेली अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।